हेलो एवरीवन, वी वर डूइंग द चैप्टर 100 races 100 races. हम लोग कर रहे थे अप टू नाउ. वी हैव रेड अब तक हमने जो भी पढ़ा है, लेट मी रिमाइंड यू, उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं. अप टू नाउ वी हैव रेड अबाउट अ गर्ल वेंडा पेट्रॉन्स्की. वेंडा पेट्रॉन्स्की जो है वो दूसरे बच्चों से काफ़ी डिफरेंट है बिकॉज हर नेम इज़ डिफरेंट. उसका जो नेम है वो बहुत डिफरेंट है. पेट्रॉन्स्की, वेंडा पेट्रॉन्स्की, इस तरह के जो डिफिकल्ट नेम्स हैं वो अमेरिका में देखने को नहीं मिलते हैं. एंड नॉर्मली दे आर हैविंग द ईजी नेम्स होते हैं उनके. एंड शी वॉज लिविंग इन अ बॉगन हाइट्स में रहती है. एंड बिकॉज हर फीट आर ऑलवेज केक्ड विद ड्राई मड, दैट्स वाई शी ऑलवेज सिट ऑन द लास्ट बेंच इन द कॉर्नर ऑफ द रूम नंबर थर्टीन जो उनकी क्लास का नंबर है, तो वो लास्ट बेंच पे हमेशा बैठती है. वेयर द रफ बॉयज़ आर सिटिंग, जहाँ पे जो रफ बॉयज़ हैं वो बैठते हैं. पैगी एंड मैडी, दे बोथ आर फ्रेंड्स एंड दे मेक फन ऑफ वेंडा. वो जो वेंडा है उसका मजाक उड़ाते हैं. पैगी, शी यूज़ टू आस्क हाउ मेनी ड्रेसेस शी इज़ हैविंग इन हर क्लोज़ेट. शी ऑलवेज सेड दैट शी इज़ हैविंग 100 ड्रेसेस, कि उसके पास जो है वो 100 ड्रेसेस है ऑल लाइंड अप. सारी की सारी कैसी हैं, सारी की सारी लाइंड अप है इन हर क्लोज़ेट. एंड बिकॉज शी ऑलवेज कम इन स्कूल इन ओनली वन ब्लू ड्रेस, दैट इज़ ऑलवेज फेडेड, लाइक फेडेड सी ब्लू ड्रेस वो स्कूल में पहन के आती है. तो पैगी जो है वो कहती है कि मीन्स वाई शी इज़ टेलिंग लाइक, वो झूठ बोलती है. एनीबडी कैन सी दैट शी डजंट हैव एनी अदर ड्रेस, तो दैट्स वाई शी इज़ बोलिंग हर, इसलिए वो उसका हमेशा मजाक उड़ाती रहती है. एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस, कोई भी उसकी जो एब्सेंस है स्कूल में उसको नोटिस नहीं करता. एंड ऑन मंडे शी वॉज एबसेंट, देन शी वॉज एबसेंट ऑन ट्यूजडे, एंड ऑन वेडनेसडे मैडी एंड पैगी दे बोर नोटिस आर एबसेंट बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर हर टू मेक फन ऑफ हर, क्योंकि उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका वेट कर रहे होते हैं. राइट, जो मैडी है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. पैगी उससे पूछती है कि उसके पास कितनी ड्रेसेज हैं, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ पुअर गर्ल. जो मैडी है वो भी पुअर गर्ल है और वो हैंडेड ओवर जो क्लोथ्स है वो पहनती है, जो कि मतलब जो रिच पीपल है हैंड ओवर कर देते हैं उनको पहनती है. द ओनली थिंग दैट शी वॉज थैंकफुल इज़ दैट शी इज़ नॉट लिविंग इन बॉगन हाइट्स, वो बॉगन हाइट्स में नहीं रहती है. एंड मोर ओवर शी डजेंट हैव अ नेम लाइक वेंडा पेट्रॉन्स्की, और उसका जो नाम है वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है. राइट, सो सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन चेक तक हमने कर लिया था. नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड कॉम्प्रिहेंशन चेक. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. मतलब उस दिन वेडनेसडे था और वो लेट हो रहे थे स्कूल के लिए, एंड वो काफ़ी वेट की उन्होंने, फिर वेंडा नहीं आई तो वो अपने स्कूल चले गए थे. तो आज वो कहती कि आज मतलब दे हैड बीन लेट टू स्कूल, कि वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी जो मैडी थी वो काफ़ी खुश थी कि आज उन्होंने जो वेंडा था उसका मजाक नहीं उड़ा पाए. शी वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एबसेंट माइंडेडली. एबसेंट माइंडेडली मतलब हम लोग जब फिजिकली कहीं पर प्रेजेंट होते हैं, मेंटली वहाँ से एबसेंट हो जाते हैं. तो वो जो है वो अपना अर्थमेटिक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करती है. मैथ्स पढ़ती है बट उसका जो ध्यान है वो उसमें नहीं लगता है. 8 times 8, लेट्स सी, मतलब वो जो है वो बोलती है कि 8 times 8 होता है और लेट्स सी देखते हैं. शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट. मतलब वो विश करती है, वो मतलब सोचती है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो पैगी को एक नोट लिखे. हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट मीन्स शी मस्ट हैव द करेज टू राइट अ नोट टू पैगी, बिकॉज शी नो शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि उसको पता था कि उसके अंदर इतना हिम्मत कभी भी नहीं आएगी कि वो सीधे सीधे जो है वो पैगी को ये बता सके, टू से उसको कह सके, हे पैग लेट स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, कि मतलब अब हम बंद करते हैं वेंडा से ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है. तो कहती है इतनी हिम्मत उसके अंदर कभी भी नहीं आने वाली है. तो वो सोचती है कि मतलब वो उसको एक नोट लिखे. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. मतलब जब उनकी arithmetic की problems ख़त्म हो जाती है तो वो जो Peggy है उसको एक note लिखना start करती है. मतलब उसको कि वो उसको परेशान करना बंद कर दे. Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. लेकिन अचानक से वो pause हो जाती है मतलब रुक जाती है, and shuddered means अंदर अंदर वो कांप जाती है. She pictures herself, वो अपने आप को देखती है, मतलब वो मैडी की जगह, सॉरी अब वो वेंडा की जगह अपने आप को पिक्चराइज कर रही है, अपने आप को इमेजिन कर रही है.
स्कूल यार्ड में, स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ पर। अ न्यू टारगेट मतलब जो पैगी है और जो दूसरी गर्ल्स हैं उसके लिए एक नया टारगेट कि वो वेंडा को छोड़ के उसको चढ़ाने शुरू कर दिया उन्होंने। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, मतलब पैगी शायद उससे पूछ रही है कि मतलब उसको वो ड्रेस कहाँ से मिली है जो उसने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वॉन्च, और जो मैडी है वो उसको बता रही है कि ये पैगी की एक पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकोगनाइज, जिसको कि उसकी मम्मी ने डिस्गाइज में छुपाना, मतलब जिसको कि उसकी जो मैडी है उसकी मदर ने छुपाने के लिए क्या किया, न्यू ट्रिमिंग्स से उसको मतलब काट छाट के नया बना दिया, सो देट कि जो रूम नंबर 13 है उसमें ये कोई भी ना पहचान सके कि वो किसकी पुरानी ड्रेस है, पैगी की पुरानी ड्रेस है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, कहती अगर सिर्फ पैगी अपने आप से डिसाइड कर ले, ऑन अकॉर्ड मीन्स अपने आप से डिसाइड कर ले कि वो वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर देगी। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. Oh well, ठीक है, जो Maddie है वो अपने जो short blonde hair है उनमें से अपने हाथ फिराती है जैसे कि मतलब वो अपने जो uncomfortable thoughts हैं जो उसके मन में विचार आ रहे हैं उनको वहाँ से हटाना चाहती हो। What difference did it make? मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता था। स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, धीरे धीरे जो मैडी थी उसने वो जो नोट लिखना स्टार्ट किया था उसको बिट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और जो पैगी थी उसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था उस रूम में, मतलब शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द रूम नंबर 13। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, कहते हैं पैगी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जो कि सच में गलत हो वो सोचती है। एज फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगेन हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, कहते हैं और अगर वेंडा की बात करें तो मतलब वो मतलब वो एक लड़की है जो कि बॉगेन हाइट्स में रहती है और स्कूल में स्कूल यार्ड में वो अकेली रहती है, मतलब स्कूल में उससे कोई बात नहीं करता, वो अकेली ही स्कूल के ग्राउंड में दिखाई देती है। शी स्केयर्सली एवर सेड एनी थिंग टू एनी बडी, स्केयर्सली मीन्स बहुत कम, वो बहुत कम ही किसी से कुछ भी कहती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, कहते सिर्फ वो एक मतलब कभी कभी बोलती है और वो तभी बोलती है जब वो अपने 100 ड्रेसेस के बारे में बात कर रही होती है, मतलब तभी वो बात करती है जब वो अपने 100 ड्रेसेस के बारे में बताती है स्कूल के ग्राउंड में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ द ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, जो मैडी है उसको याद आती है उसकी एक ड्रेस के बारे में जो कि पेल ब्लू कलर की है और उसके ऊपर जो कलर्ड ट्रिमिंग्स हैं मतलब डिफरेंट कलर्स की उसके ऊपर ट्रिमिंग्स में वो पैचेस लगे हुए हैं। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, और वो जो दूसरी है उसको याद करके बताती है जिसको कि वो कहती है कि वो जंगल मतलब डार्क ग्रीन कलर की है विद अ रेड शेष, जिसके ऊपर रेड कलर का शेष लगा हुआ। शेष आपने देखा होगा ना कि जैसे वो मिस इंडिया बनती है तो उसको वो पहनाया जाता है तो उसको शेष बोलते हैं, मतलब जिसके ऊपर लिखा होता है मिस इंडिया। तो कहती है उसके पास एक जंगल ग्रीन कलर की ड्रेस है जिसके ऊपर रेड शेष है, मतलब ये दो ड्रेसेस है जिनके बारे में वो मोस्ट प्रोबेबली बात करती है। You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in the pretended admiration. अब जो लड़कियाँ हैं मतलब वो ये दिखाने के लिए कि pretend करना मीन्स दिखावा करना, ये दिखाने के लिए कि वो उसकी तारीफ कर रही है तो उसको बताती है कि मतलब उस ग्रीन कलर की ड्रेस में तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसी दिखती होगी, बिल्कुल जो क्रिसमस ट्री है उसके जैसे उसके अंदर दिखाई देती होगी। Thinking about Wenda and her 100 dresses all lined up in the closet. अब वो Wenda के बारे में सोच रही है, उसकी जो 100 dresses हैं उसके बारे में सोच रही है जो कि सारी lined up है उसके closet में उसके wardrobe में। Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब जो Maddie है वो सोच रही है, वो थोड़ा surprise हो रही है कि इस बार का जो drawing और coloring competition है वो कौन जीतने वाला है। For girls, the contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. जो कॉन्टेस्ट था मतलब जो कंपटीशन था क्लास में उसमें जो गर्ल्स थी उनको ड्राइंग कंपटीशन में ड्रेसेस ड्रॉ करनी थी और जो बॉयज थे उनको मोटरबोट्स ड्रॉ करनी थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, अब वो सोच रही है कि शायद प्रोबेबली मीन्स मे बी शायद जो पैगी है वो
गर्ल्स में मेडल जीतने वाली है पेंटिंग कॉम्पिटिशन में। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। जो पैगी है वो मतलब जितने भी बाकी सारे लड़कियां हैं, बाकी सारे बच्चे हैं, उनमें सबसे अच्छी ड्राइंग करती है क्लास में। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, मतलब सब के सब, मतलब कम से कम सब ऐसा ही सोचते हैं। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट इज़। मतलब वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट बना देती है लोगों का, और किसी भी कोई भी जो पिक्चर है मैगजीन में वो उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेती है, या फिर किसी फिल्म स्टार का जो फेस है, उसका जो हेड है, उसको मतलब इतना अच्छे से ड्रॉ करती है कि कोई भी उसको ये देख के बता सकता है कि वो कौन सा हीरो या हीरोइन है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। अब जो मैडी थी वो बिल्कुल श्योर थी कि इस बार जो है कौन जीतने वाला है, पैगी जीतने वाली है। वेल टमोरो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो। कहते कि ठीक है, कल जो टीचर है मतलब क्लास में वो अनाउंस कर ही देंगे कि कौन विनर है, और उसके बाद सबको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मीन्स लाइट रेन, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होना। अगले दिन जो था वो मतलब ड्रिजलिंग हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरेड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। जो मैडी एंड पैगी है वो मतलब जल्दी जल्दी से जो पैगी का अम्ब्रेला था उसके नीचे घुसकर स्कूल की तरफ आ रहे थे, मतलब जल्दी जल्दी में स्कूल आ रहे थे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा। मतलब नेचुरल था कि मतलब जब बारिश हो रही है तो वो बिल्कुल भी वेंडा के लिए वेट नहीं करेंगे। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, जो ओलिवर स्ट्रीट है उसके कॉर्नर में रुककर बिल्कुल भी उसके लिए वेट नहीं करेंगे ताकि उसका मजाक उड़ा सकें। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल। मतलब वो जो स्ट्रीट है, वो जो गली है, वो काफ़ी दूर है रेल रोड ट्रैक से और जो पहाड़ी है उसके ऊपर है। लेड टू बॉगिन हाइट्स, और वो कहाँ पर जाती है, बॉगिन हाइट्स पर जाती है। एनी वे दे वर नॉट टॉकिंग, दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑफ बींग लेट टूडे। कहते एनी वेज, मतलब आज वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेने वाले थे कि वो स्कूल के लिए लेट हो जाए। बिकॉज टूडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क पैगी। पैगी पूछते हैं मतलब तुम क्या सोचती हो कि मतलब जो मिस मैसन है आज वो विनर्स अनाउंस करने वाली है। ओ आई होप सो, द मिनट वी गेट इन सैड मैडी ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। कहती है हाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि द मिनट वी गेट इन, मतलब जैसे ही हम लोग जाएंगे विद इन अ मिनट जो मैडम है वो जो रिजल्ट है उनको अनाउंस कर देगी। जो मैडी वो कहती है और ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम ही जीतोगी। होप सो सैड पैगी ईगली। अब जो पैगी हो थोड़ा सा ईगली होते हुए कहती है कि हाँ होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस। जैसे ही मतलब वो क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं तो एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाते हैं और गैस मतलब देखने मतलब थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। There were drawings all over the room, मतलब जो रूम था उसके अंदर हर जगह जो थी वो ड्राइंग्स लगी हुई थी। ऑन एवरी लेच एंड विंडो सिल, मतलब हर एक कॉर्नर में और जो विंडो की जो सिल चौखट होती है उसके ऊपर। डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लाविश डिज़ाइंस, लाविश मीन्स ग्रैंड। कहते हैं कि मतलब डेजलिंग कलर्स, जो चमकीले कलर्स होते हैं, ब्रिलियंट, बहुत सुंदर डिज़ाइंस थी और हर एक जो मतलब बहुत ग्रैंड डिज़ाइंस की जो पेंटिंग्स वाली ड्रेसेस थी वो रूम के हर एक कॉर्नर में लगी हुई थी। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, मतलब जो रैपिंग पेपर होता है उसकी बड़ी बड़ी शीट्स के ऊपर उनको ड्रॉ किया गया था। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, मतलब और वो अराउंड 100 ड्रेसेस होंगी ऑल लाइंड अप, जितनी भी थी वो सारी लाइंड अप थी, मतलब एक के बाद एक वो लगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राॅइंग्स ऑफ फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये जो ड्राॅइंग्स थी वो कॉन्टेस्ट के लिए बनाई गई होंगी। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर एडमायरिंगली, मतलब डेफिनेटली दे वर, हर एक जो था मतलब वो रुक गया था, वो विसल कर रहा था और मर्मर मतलब आपस में बातें कर रहा था, उनकी तारीफ कर रहा था, वो इतनी सुंदर ड्रेसेस थी उनकी तारीफ कर रहे थे सब, जो पेंटिंग्स में ड्रेसेस बनाई हुई थी। As soon as the class is assembled, Miss Mason announced the winners. जैसे जो पूरी क्लास ही वो असेंबल हुई, गैदर हुई, मतलब इकट्ठी हुई, तो जो मिस मैसन थी उन्होंने विनर्स को अनाउंस कर दिया। जैक बैगल्स हैड बॉर्न फॉर द बॉयज़, जो जैक बैगल्स था वो बॉयज़ में विनर था, शी सैड, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद स्केचेज बाय ऑल द अदर बॉयज़।
और उसने मतलब एक आउटबोर्ड मोटर बोट बनाई थी जिसको कि एग्जीबिशन में रखा गया था रूम नंबर 12 में, जहाँ कर के जहाँ पर के जो बाकी सारे बॉयज़ थे उनके स्केचेस लगाए गए थे, उन्हीं के साथ उसकी भी जो पेंटिंग थी उसको लगाया गया था रूम नंबर 12 में। तो जो जैक पैगल्स था वो बॉयज़ में विनर था। एज फॉर गर्ल्स शी सेड ऑल्दो जस्ट वन और टू स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस। कहती है कि अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो एक या दो स्केचेस से मतलब सबमिट किए हैं बाकी सारी लड़कियों ने, और एक जो लड़की है रूम नंबर 13 में, हमें उसके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए, गर्व होना चाहिए, क्योंकि इस लड़की ने एक्चुअली कितनी ड्रेसेस ड्रॉ की हैं, 100 ड्रेसेस उसने ड्रॉ करके उस कॉन्टेस्ट के लिए सबमिट किया है। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटिफुल, कहते हैं सारी की सारी ड्रेसेज जो है वो बहुत डिफरेंट हैं और सारी की सारी जो ड्रेसेज है वो बहुत सुंदर है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, कहते हैं कि और अगर जजेस की बात करें तो मतलब हर एक जो ड्रेस है वो इतनी वर्दी है मतलब कि उसको प्राइज मिलना ही चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेंट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि जो वेंडा पेंट्रोस्की है वो विनर है गर्ल्स मेडल, मतलब गर्ल्स में वेंडा पेंट्रोस्की इज़ द विनर। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर, कहते अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से जो वेंडा है वो एब्सेंट है स्कूल में पिछले कुछ दिनों से, और मतलब वो यहाँ पर नहीं है कि वो अपने लिए जो अप्लॉज है, जो अपने लिए तालियाँ हैं उसको रिसीव कर सके जो कि उसके लिए ड्यू हैं। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, कहते उम्मीद करते हैं कि वो कल तक वापस आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विजिट ड्राइंग्स, अब वो कहती है कि मतलब अब क्लास तुम ना ये जो पूरा रूम है इसके आसपास उसमें चक्कर लगा लो और जो भी ड्राइंग्स यहाँ पर रखी हुई हैं, एक्विजिट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, और ये जो बहुत ब्यूटिफुल ड्राइंग्स हैं उनको एक बार देख लो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लॉज, बर्स्ट इनटू अप्लॉज मीन्स बहुत सारी क्लैपिंग उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, जो बच्चे थे उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड वेसल, और कहते हैं जो बॉयज़ वो बहुत खुश थे कि उनको चांस मिला था कि वो मतलब जो फीट है उसको स्टैम्प कर सके, मतलब उसे उसको टैप कर सके फ्लोर के ऊपर, और जो अपनी फिंगर्स हैं उसमें माउथ में डाल के उसको विसल कर सकें, उसे सीटी बजा सके। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, मतलब हालांकि उनको ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हो गए थे कि उनको एक मौका मिल गया था कि वो विसल कर सके, अपने पैरों को स्टैम्प कर सके और तालियां बजा सके। लुक बैक विस्पर्ड मैडी दैट देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट इजंट इट ब्यूटिफुल, अब वो जो मैडी ने उसको धीरे से बोलती कि देखो पैक मतलब ये वही ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वो हमें बताती थी, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, क्या ये बहुत सुंदर नहीं है? यस सेट पैक, वो कहती हाँ ये बहुत सुंदर है, एंड हेयर इज़ दैट ग्रीन वन, और यहाँ पर वो ग्रीन वन है, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ दैट ग्रीन वन, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और कहते हैं यहाँ पर वो जो ग्रीन वन है हम उम्मीद करती हूँ कि मैं भी उसको ड्रॉ कर पाती। सो ये चैप्टर एंड्स, यहाँ पर जो चैप्टर है वो 100 ड्रेसेस वर्क ख़त्म होते हैं। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर्स एक बार इसके देखते हैं। व्हाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा, व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, जो मैडी है वो पैगी को क्यों नहीं कहती है कि मतलब वो वेंडा को टीज करना स्टॉप कर दे। मैडी डिड नॉट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा बिकॉज शी वॉज अफ्रेड दैट हर नेक्स्ट टारगेट वुड बी मैडी, बिकॉज मैडी ऑल्सो वियरिंग द हैंडेड ओवर ड्रेसेस, क्योंकि वो भी हैंडेड ओवर ड्रेसेज जो थी उनको पहनती थी, उसको डर था कि वो जो नेक्स्ट टारगेट है वो खुद होगी। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, बाय मैडी को क्या लगता था कि कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगा? मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट बिकॉज शी वॉज गुड इन ड्राइंग एंड शी कुड मेक अ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट। हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वेंडा पेट्रोस्की वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। What had the winner draw? जो विनर था उसने क्या ड्रॉ किया था? The winner had drawn the 100 dresses and all the dresses were worth to win the prize.
सो हियर योर चैप्टर एंड्स, यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है. एंड व्हाट वी व्हाट द मैसेज वी हैव गॉट फ्रॉम दिस चैप्टर इज दैट वी शुड नॉट टीज अदर, वी शुड नॉट टीज एंड बुलिंग अदर्स फॉर बीइंग पुअर और डिफरेंट इन सम ऑफ द क्वाइट रिप्रहेंसिव एज इट इज इनसेंसिटिव टू द विक्टिम्स फीलिंग. हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो हमसे काफ़ी डिफरेंट है. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, सबको समझ में आया होगा. एंड आई होप अगर आप में से भी कोई किसी को टीज करता है तो यू वुड स्टॉप टीजिंग द योर क्लासमेट्स फॉर बींग पुअर, गरीब होने की वजह से, या फिर वो आपसे डिफरेंट दिखते हैं इस वजह से. आप उनको नहीं बुली करेंगे, उनको नहीं चिढ़ाएंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.